कांग्रेस ने 6 दिसंबर को विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक बुलाई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में विपक्षी गठबंधन के सभी सहयोगियों को इस बैठक के लिए निमंत्रण दिया है। बताया गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कथित तौर पर दिल्ली में एक बैठक के लिए गठबंधन सहयोगियों को फोन किया है। खड़गे ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और तृणमूल कांग्रेस सहित गठबंधन सहयोगियों को फोन किया और उन्हें बैठक के बारे में जानकारी दी। विपक्षी गठबंधन इंडिया कांग्रेस के नेतृत्व में भारत में विपक्षी राजनीतिक दलों का एक गठबंधन है। इसका गठन 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए से मुकाबला करने के लिए किया गया था। इंडिया का गठन जुलाई 2023 में बेंगलुरु में एक विपक्षी दल की बैठक के दौरान किया गया था। बताया गया कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के नेता अगले लोकसभा के चुनाव की रणनीति तय करने के लिए 6 दिसंबर को बैठक करेंगे। यह बैठक 6 दिसंबर की शाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली स्थित आवास पर होगी। सूत्रों का कहना है कि बैठक के दौरान इंडिया के घटक दलों के नेताओं द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने की रणनीति पर चर्चा करने और उसे अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। विपक्षी दलों की यह बैठक 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनावों के बाद और आज 4 राज्यों के नतीजे सामने आने के बाद हो रही है। अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का मुकाबला करने के लिए 26 विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया है। इंडिया गठबंधन की अब तक 3 बैठकें पटना, बेंगलुरु और मुंबई में हो चुकी हैं। गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की पिछले दिनों मुंबई में हुई बैठक में गठबंधन के भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए 14 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया गया था। समन्वय समिति विपक्षी गठबंधन की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में कार्य करेगी।